नमस्कार मित्रों, मैं राजेश कुमार म्यूजिक ग्राम पर दोस्तों आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और अपने हारमोनियम के पीछे कुछ न कुछ काम कर रहे होंगे और बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों हमेशा की तरह मैं नई नई चीजें लेकर आता रहता हूं और आज दोस्तों मैंने सोचा है कि कुछ गाने के अंदर कुछ अलंकार, दो तीन अलंकार बताना चाहता हूं मैं, जिसमें जो गाने की आवाज होती है, जब गाना आप सुनते हैं तो उसके अंदर जो लयकारी होती है, लय जो होती है, आवाजें जो होती है, तो उसको आप समझ पाए। लेकिन क्या होता है कि हम एक तरह की प्रैक्टिस करते हैं, इसलिए आवाजों में फर्क, गाने की जो आवाज होती है उसके डिफरेंसेज यानी फर्क को समझ नहीं पाते हैं, इसीलिए गाना निकालने में मुश्किल होती है। और ये फर्क कैसे समझेंगे, डिफरेंसेज कैसे समझेंगे? दोस्तों मैं यहां थोड़ा सा आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है गाना निकालने की। इसकी बहुत वीडियो मैंने, बहुत सारे वीडियो देखा है मैंने, लोग बनाते रहते हैं, लोग देखते भी हैं, मैं भी वही कोशिश कर रहा हूं, लेकिन मैं थोड़ा अलग ढंग से कोशिश करूंगा। स्वर तो वही समझाऊंगा, लेकिन होता है ना कि मैथ वही है लेकिन टीचर अलग हैं। कोई टीचर ऐसा समझाते हैं कि बड़े आसानी से हम मैथ को समझ लेते हैं, और कोई टीचर ऐसा बताते हैं जिनसे समझने में थोड़ी मुश्किल होती है या कभी कभी नहीं समझ पाते हैं। तो मैं कोशिश कर रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं मैं बहुत अच्छा टीचर हूं, ऐसा नहीं है, बस मेरी 100% कोशिश है समझाने की। तो आप इसको आज समझिए, आवाज को समझनी होगी। और दोस्तों बिना स्किप किए वीडियो को देखिए, मेरी बातों को सुनिए, मैं हर बार ये कहता हूं मेरी बातों को सुनिए, सुनना बहुत जरूरी है। और वीडियो अच्छी लगती हो, यदि वीडियो अच्छी लगती हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों मैं ये बता रहा था कि आवाज को पकड़ना है तो हमें ये समझना होगा कि आवाजों में फर्क, तो आवाज का फर्क पहले हम यहां पर समझें तब गाने को पकड़ पाएंगे। एक्चुअली होता क्या है, जहां तक मैं समझता हूं कि जो भी सीखने वाले लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वो ज्यादा करके क्या करते हैं कि शुद्ध स्वरों की सारे गम पध नि सा नि ध प म ग रे सा, इसी में कुछ अलंकार करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं, ठीक है। अब आप इसमें ये समझिए कि आपको सिर्फ कैपिटल लेटर यानी बड़ी वाली ए बी सी डी आती हो, स्मॉल लेटर वाली नहीं आती हो तो स्मॉल वाले को नहीं समझ सकते आप। और एक कर्सिव ए बी सी डी भी होती है, अगर वो आ गया तो आप और नहीं समझ पाएंगे। तो जब तक इन सभी को नहीं समझेंगे तब तक इंग्लिश को लिखना और समझना मुश्किल होगा। उसी प्रकार यहां पर स्वरों को समझना होगा कि शुद्ध स्वर की आवाज कैसी है, कोमल स्वर की आवाज कैसी है, तब दोनों में फर्क समझ में आएगा। अब एक होता है कि सर ये तो मैं जानता हूं कि ये सा है, ये शुद्ध रे है, ये कोमल रे है, एक आवाज, नहीं बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। जब अगर ऐसा होगा तो सिर्फ एबीसीडी लिखने से एप्पल बन जाए, ए डबल पी एल ई लिखने की जरूरत क्या है, बी से ही बॉल बन जाए, बी ए डबल एल बॉल लिखने की जरूरत क्या है, ठीक है दोस्तों? तो नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपको गाने के अंदर जो आवाज होती है उसको समझना होगा कि ये किस स्वर की तरफ जा रही है, ठीक है। तो मैं वही अलंकार बताऊंगा, हो सकता है आप जानते भी हो,
और एक अलंकार हो सकता है कि नहीं भी जानते हो, मैं दो अलंकार बताऊंगा। उसको करना कैसे ये समझना है, सबसे बड़ी बात तो यही है कि करना कैसे है, हाउ टू डू, करना कैसे है ये आपको समझना पड़ेगा। तो मैं वही बता रहा हूं आज आपको कि करना कैसे है, और इसको ध्यान से, और मैं करता जाऊंगा, बोलता जाऊंगा, बातों को सुनते जरूर जाइएगा। नहीं सुनेंगे कोई फायदा नहीं होगा, स्किप कर देंगे कोई फायदा नहीं होगा। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहली चीज तो ये आपको ये करनी होगी, बस मैं दो या तीन मैंने कहा था, मैं तीन बताऊंगा क्योंकि मेन बेस तो बताना जरूरी है। तो देखिए सबसे पहले शुद्ध स्वर को कैसे, इस तरह का मैंने और भी वीडियो बनाया है लेकिन थोड़ा सा अलग है, वो थोड़ा सा अलग है और इसमें मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं वो थोड़ा अलग है। मैं जब इतना बोलता हूं तो हो सकता है कुछ लोग को लगता है कि सर आप टाइम पास कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं मेरा दोस्तों, टाइम पास करने का जरा भी इरादा नहीं है। अगर हमारा काम 5 मिनट की वीडियो में हो जाए तो मैं 5 मिनट का ही वीडियो बनाऊं, लेकिन वो संभव नहीं है। इतना मैं कैसे समझाऊंगा 5 मिनट में, आप खुद सोचिए। तो समझाना सबसे पहले जरूरी है और समझना सबसे पहले जरूरी है, उसके बाद ही वर्क करना जरूरी है, ठीक है। तो आइए करते हैं दोस्तों, सबसे पहले शुद्ध स्वरों का स्वर, सारे गमा पदनी सा, है ना। फिर से देखिए, सारे गमा पदनी सा, सानी धा पमा गरे सा, समझ रहे हैं। अब इसको आप क्लिक कीजिए, कैसे इसको करना कैसे है, या ओ, या इसको 2-3 बार कीजिए, और उसके बाद तुरंत कोमल स्वरों पे चले आइए, तो देखिएगा कि आपको फर्क समझ में आएगा। देखिए मैं एक बार शुद्ध करता हूं फिर कोमल करता हूं, आपको 3 बार करना है। कोमल के बाद फिर से शुद्ध, सुनिएगा दोनों में अंतर देखिएगा। कोमल क्या होता है दोस्तों, कि आप इस चीज को समझ पाते हैं कि दोनों की आवाज अलग अलग है। अब अगर यही चीज गाने में आ जाएगा कैसे, देखिए मैं ऐसे ही एक लय ले रहा हूं, वो बताने की कोशिश कर रहा हूं। अब गाने में है, जैसे गाने में शुद्ध स्वरों का, तो देखिए या और अगर यही शुद्ध स्वर में नहीं होकर ये अगर कोमल में बनाया हुआ होगा, यानी कि इसमें ध और नी कोमल रहेगा, जैसा कि ध और नी हमने अभी शुद्ध लगाया था, तो वही कोमल होगा तो कैसा हो जाएगा, फिर से कोमल वाली, आ,
जाओगे तुम कहां। और अगर ये शुद्ध में ध्वनि में होती तो पसनी धपा मापा, है ना, जाओगे तुम कहां। और कोमल में जाओगे तुम कहां, शुद्ध में जाओगे तुम कहां, कोमल में जाओगे तुम कहां, शुद्ध में जाओगे तुम कहां, कोमल में जाओगे तुम कहां। दोनों में अंतर समझ रहे हैं, पसा और नी ध प म प। तो जिसमें मैंने एक बार नी ध शुद्ध लिया और दूसरे बार में कोमल लिया नी ध, तो देखिए दोनों की आवाज में अंतर हो जाती है। एक बार फिर से मैं बता रहा हूं, देखिए पहले शुद्ध प सा नी ध प म प, और दूसरे बार में प सा कोमल नी ध प म प। तो गाना क्या होता है कि गाना जब अगर इधर से निकल रहा है, आप हमेशा देखिए सीखने वाले जब होते हैं ना, जब हम लोग लर्नर होते हैं, जब हम लोग सीखते हैं, मैं भी जब सीखता था, सिर्फ आप लोग नहीं, मैं भी जब सीखता था यही गलतियां करता था, कोशिश भी ऐसा ही करता था जैसा अभी आप लोग करते होंगे शायद, कि हमेशा हर बात में शुद्ध स्वर को पकड़ लेना, हर बात में शुद्ध स्वर को पकड़ लेना, वहीं पे ढूंढते रहना। नहीं तो फिर कोमल स्वर क्यों बना है, इतने ठाट क्यों बने हैं, इतने राग क्यों बने हैं जिसमें अलग अलग तरह के स्वर होते हैं। तो इन सभी को आपको समझना पड़ेगा। तो देखिए मैं बहुत आसान तरीके से बता रहा हूं, एक बार शुद्ध आने मैं पूरा 100% दे रहा हूं इसको बताने में, आप ध्यान थोड़ा लगाइएगा। पहले शुद्ध स्वरों में आकार के साथ आ, अब कोमल स्वर में आ, ध्यान से सुनिए और स्लो में करता हूं, फिर शुद्ध स्वरों में आ, अब कोमल स्वरों में दोनों में अंतर है दोस्तों। तो इस अंतर को आपको समझना होगा कि गाना जब स्टार्ट हो रहा है तो जब आगे बढ़ रहा है तो उसमें कोमल स्वर लग रहे हैं या शुद्ध स्वर लग रहे हैं। तो अब ये कैसे पहचानेंगे, अब इसकी प्रक्रिया क्या है कि कोमल और शुद्ध कैसे पहचानेंगे, तो आपको क्या करना है, अब यहां देखिए, अब इसको फिर से आप समझिए पहले। तो कैसे करना है, ये दो बार शुद्ध स्वरों को, फिर दो बार कोमल स्वरों को, यानी सारे गमा पधा निसा सानी धपा मगर ऐसा शुद्ध स्वर, फिर उसके बाद कोमल स्वर जिसमें रे ग धनी चार ही कोमल होता है, बाकी स्वर शुद्ध होते हैं, सा कोमल रे कोमल ग म प कोमल ध कोमल नी और सा। देखिए आवाज को पकड़िएगा, मैं बड़े स्लो बता रहा हूं, धीरे धीरे बता रहा हूं ताकि दोनों की आवाज के अंतर को आप समझ पाए। अब कोमल बार 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 करेंगे, दो तीन दिनों तक कीजिएगा इसको बार बार, दो बार शुद्ध दो बार कोमल, दो बार शुद्ध दो बार कोमल, स्लो में जैसा स्पीड मैंने दिखाया है वैसा, और उसको ध्यान से सुनना, इस तरह झुक कर नहीं करना है तो कभी समझ में नहीं आएगा।
कभी भी समझ में नहीं आएगा। आपको इस तरह सीधा बैठना है, लेफ्ट थोड़ा या राइट देखना है या सामने देखना है और धीरे धीरे करना है साधारण से स्पिनिंग जैसा मैंने किया है। जब ये हो जाए तो आप एक लेसन करते हैं। अब आइए मुख्य बातों पर, इसके अलावा मेन बात जो गाने में लय बनाती है, ट्यूनिंग जो बनती है, तो आप ये लेसन करते हैं सारे ग रे ग म ग म प, ये आपको पता है, वही चीज मैं बता रहा हूं। लेकिन अंतर देखिए, मैं एक बार शुद्ध पे करूंगा, दूसरी बार कोमल पे करूंगा। क्यों? इसके करने के बाद मैं समझाऊंगा। कोमल उसकी आवाज को पकड़िएगा। देखिए एक बार सिर्फ सारे गा को करता हूं, एक बार शुद्ध एक बार कोमल, आपको जल्दी समझ में आए कैसे। अब कोमल, फिर शुद्ध, फिर से शुद्ध, मैं कोमल, मैंने कोमल कर दिया था, शुद्ध। अब कोमल फिर शुद्ध, फिर कोमल। तो देखिए अंतर क्या है, फिर क्या है, फिर कोमल। मैंने बिना बजाए भी करके आपको दिखाया है ताकि आप समझ सके। तो इस तरह सभी में होगा, सारे गा रे गा मा गा मा वा मा पा धा पा धा नी धा नी सा में भी। तो इसको आप पहले खूब कीजिएगा, फिर उसके बाद इसको कीजिएगा, और इसके बाद इसी में एक पैटर्न और होगा जो सारे गा के साथ साथ सारे सारे गा का होगा। वो देखिए कैसे आप कर रहे थे क्या, सारे गा रे गा मा, बट इसमें क्या करना है, सारे को दो बार कर कर तब ग पे आना है। तो कैसे देखिए, सारे सारे ग रे ग रे ग म ग म ग म प म प म प ध प ध प ध नी ध नी ध नी सा। लौटने में क्या होगा, फिर वही पहला दो स्वर दो बार और तब थर्ड स्वर तो सा नी सा नी ध नी ध नी ध प ध प ध प म प म प म ग म ग म ग रे ग रे ग रे सा। अब इसको आकार में करेंगे, कर कर दिखाता हूं मैं लय के लिए, आवाज के लिए। ये तो स्वर समझाने के लिए किया था, फिर इसी को कोमल में करेंगे, लेकिन उसके पहले क्या करेंगे, आकार में शुद्ध को। सुनना है ध्यान से, ऐसा करेंगे, दूसरी बार को उसी को कोमल में करेंगे,
और इसको ध्यान से सुनिए इसको कि आवाज कैसे बदलती है। एक बार कोमल सारे सारे का शुद्ध सारे सारे का कोमल मैं बताकर आप ये फिनिश करता हूं। आवाज को पकड़िएगा आप कोमल, फिर से शुद्ध सारे सारे का, फिर से कोमल सारे सारे का, फिर से शुद्ध कोमल। तो ये अंतर इस तरह से दोस्तों होती है। तो आपको ये अंतर, ये आवाज का दोनों में फर्क, दोनों का डिफरेंसेस शुद्ध और कोमल के बीच आना चाहिए। और जब ये आएगा तब आप आवाज गाने की आवाज को पकड़ पाएंगे और तब गाना निकालने में आपको बड़ी ही आसानी होगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं थोड़ी सी वीडियो लंबी हुई है लेकिन ये बताना जरूरी था। अब अगर अधूरा छोड़ दो तो फिर वीडियो ना बनाने का मतलब है कोई, और ना आपका देखना, वीडियो को देखना उसका भी कोई मतलब नहीं है जब तक ये कंप्लीट नहीं हो। तो दोस्तों इसको बड़े बड़े प्यार से, बड़े पेशेंस के साथ, बड़े ध्यान से कान लगाकर सुनकर, कान लगाने का मतलब क्या होता है कि ध्यान से सुनना, जो आप आ करेंगे उसको सुनिएगा कि आपकी आवाज यहां मिल रही कि नहीं, और अगर मिल रही है तो वो कैसी आवाज आपकी आ रही है। यही आवाज आप गाने में पकड़ सकेंगे। उस गाना कोई भी निकालना हो तो गुनगुनाइएगा उसके साथ और फिर अपनी आवाज से गुनगुना कर मिलाइएगा। कैसे वो भी मैं जरा बता ही देता हूं, मुझे ही पेशेंस नहीं है बताए बिना, मैं बता देता हूं। जैसे आपने किया, सपोज एक उदाहरण, आप गुनगुनाए खैरियत पूछो, गाना है ना अरिजीत सिंह का, खैरियत पूछो, पहले गाने में गुनगुना लीजिए सुनकर और उसी को फॉलो कीजिए, खैरियत पूछो, तो आप अपनी आवाज को समझ पाएंगे इन अलंकार के रियाज के बाद। तो आप मिलाइएगा फिर, खैरियत पूछो कभी तुम कैफियत पूछो, अपनी आवाज से हारमोनियम की आवाज मिलाइएगा, तुम्हारे बिन है ना दीवाने का, जल्दी आप पकड़ पाएंगे क्या हाल है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपनों को शेयर कीजिए दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्तों फिर से एक बार अगले वीडियो में कोई अच्छा सा और वीडियो का मैटर लेकर, एक अच्छे मैटर के साथ, और अच्छा मैटर तो वही है स्वर ज्ञान गाना निकालना, उसके बाद ही बहुत कुछ आते हैं कॉर्ड्स वगैरह वगैरह। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपकी कोशिश कर रहे होंगे, और आप कोशिश कीजिए और आपकी कोशिश जरूर सफल होगी, जरूर सफल होगी, जरूर सफल होगी। इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए, मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को राजेश कुमार का नमस्कार।